नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। कल शाम को अचानक खबर आई कि केजरीवाल साहब को जमानत मिल गई और लोअर कोर्ट से जमानत मिली। आज जमानत का जो आदेश है वो भी बाहर आ गया और उसमें एक बड़ा आरोप ये लगा है कि ईडी जिस तरह से जांच कर रही है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड, ये शब्द तो उपयोग नहीं किया गया है लेकिन उसको पढ़ के कोई भी समझ सकता है, जिसमें ये कहा गया है कि आपको ट्रेल्स मिले नहीं है, 40 करोड़ के ही ट्रेल मिले हैं, बाकी आपको पता नहीं कब मिलेंगे, तो आप ऐसी जाँच करते रहेंगे कि लोग लंबे समय तक जेल में पड़े रहें। लेकिन उसके साथ ही साथ 48 घंटों का समय नहीं दिया था ट्रायल कोर्ट ने, लोअर कोर्ट ने, लेकिन सुबह सुबह पहुंच गए हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट ने यह कहा कि जब तक सुनवाई होगी तब तक ये जमानत का जो आदेश है वो लागू नहीं होगा। तो फिलहाल केजरीवाल जेल में है, आगे सुनवाई होगी, आगे क्या होगा हम नहीं जानते। कुछ मजेदार घटनाएं हुई हैं, कुछ बहुत बारीक चीजें होती हैं जिन पर कभी ध्यान चला जाता है। स्मृति ईरानी का जब चुनाव खत्म हुआ था उसके बाद आया था एक ट्वीट, मैंने कई बार उसका जिक्र किया है। उस ट्वीट में शायद पहली बार ऐसा होगा कि भारतीय जनता पार्टी के किसी प्रत्याशी या उम्मीदवार ने सबको धन्यवाद दिया था, प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद नहीं दिया था, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी उनके प्रचार के लिए नहीं गए थे। ट्रॉलिंग हुई तो उसके बाद उन्होंने एक जारी कर दिया, एक और ट्वीट जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री का नाम था, किसी और का नाम नहीं था। उसके बाद जब शपथ ग्रहण समारोह था तो उनको मंत्री तो नहीं बनाया गया, और जो लोग ये कह रहे हैं कि चुनाव हारने का कारण नहीं बनाया गया उनको मैं बता दूं कि 2014 में भी जब उनको मंत्री बनाया गया तो वो कोई चुनाव जीत के नहीं आई थी। तो मंत्री तो नहीं ही बनाया गया, लेकिन जिस तरह से शपथ ग्रहण में वो बैठी हुई थी थोड़ा सा आश्चर्यजनक था, लाइमलाइट से बिल्कुल किनारे बस बैठी हुई थी। और उसके बाद आदेश आता है बंगला खाली कराने का। अब देखिए, जब राहुल गांधी का बंगला खाली हुआ तो क्या क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा मैं उस पर नहीं जाता हूं, लेकिन हम लोग ये बंगलों की और सबकी राजनीति पिछले 30 साल 40 साल से देख रहे हैं। ऐसा नहीं होता है, इतनी जल्दी आदेश नहीं आते हैं, इतनी जल्दी बंगले नहीं खाली कराए जाते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब अभी भी बंगले में हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, संबित पात्रा लंबे समय तक बिना किसी पद पर रहे बंगलों में ही रहे। तो आदेश आता है जिसमें दो नाम आते हैं, संजीव बालियान के और स्मृति ईरानी के, संभव है आदेश में और नाम हो, लेकिन ये दो नाम हाईलाइट किए जाते हैं, प्लांट किए जाते हैं और कल पूरे दिन उसका मजाक उड़ता है, खेल चलता है। योगी हट नहीं रहे हैं, यह बात अशोक जी हमारे यहां पहले भी कह चुके हैं और मैं भी इस बात से सहमत हूं कि फिलहाल योगी को हटाने की मुझे भी कोई जगह दिख नहीं रही है। लेकिन जो अंतर कलह हो रही है, अब किसी समीक्षा बैठक में जूते चप्पल चले तो ये सब तो ठीक है, जब पार्टी बड़ी होती है तो जूते चप्पल चलते हैं, हर जगह हमने देखा है। लेकिन ये सारा जो कुछ खेल हो रहा है, कहीं ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बहुत सारी खींचतान चल रही है, बहुत सारे लोगों को गिराने उठाने का सब खेल चल रहा है, और महाराष्ट्र की बात तो आएगी ही लेकिन बाकी जगहों पर भी ये खेल दिखाई दे रहा है। यहाँ एक सवाल बड़ा ये है कि हरियाणा में चुनाव होने हैं और हरियाणा इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र जितना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिल्ली में सरकार नहीं है, हरियाणा में सरकार जाने का मतलब गुड़गांव हाथ से निकल जाना होता है। तो हरियाणा में सरकार चुनाव होने वाला है, किरण चौधरी को अंदर लाया गया, अचानक अरविंद केजरीवाल कल शाम को रिहा होने की घोषणा होती है, जमानत होती है, और सुबह फिर से ये होता है कि नहीं अभी जमानत लागू नहीं होगी। अब वो हाईकोर्ट में कितनी लंबी सुनवाई चलेगी, कितने दिन लगेंगे, उसके बाद क्या रिजल्ट आएगा ये हम नहीं भी जानते हैं और हम जानते भी हैं, अभी तक लगातार देखा जा रहा है। तो ये सारी चीजें लगातार देश में चल रही हैं और इन सब के बीच नीट घोटाले की बात है, उस पर भी एक सवाल मैं लूंगा अशोक जी से कि किस तरह से सरकार में रहने वाले लोग राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और तेजस्वी यादव के ऊपर उन घोटालों का जो आरोप है वो ट्रांसफर कराने की कोशिश कर रहे हैं। स्पीकर का मामला अभी फाइनल नहीं हुआ है, 27 तारीख से संसद शुरू होनी है और ये सारा नाटक चल रहा है जिसमें सरकार शुरू होने से पहले एक्सीडेंट हो जाता है, रेल मंत्री का इस्तीफा, नीट बाहर आता है तो हमारे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा और बहुत सारा सर फुटाउल। सर, लक्षण बहुत अच्छे नजर नहीं आ रहे हैं सब मिला के। बिल्कुल सर, मुझे लगता है अशोक जी की आने वाला लोकसभा का सत्र तूफानी होगा। मैं तूफानी इसलिए कहता हूं कि इस बार बराबर का हिसाब है, वहां 192 है, वहां 292 है तो यहाँ 230 है, ज्यादा बड़ा फर्क नहीं, 50-60 का फर्क। और कुछ फैंस सीटर है, वो कैसे बिहेव करते हैं इश्यूज पे वो समय पे दिखाएगा। लेकिन एक बुलंद आवाज विपक्ष की होगी, जब विपक्ष की बुलंद आवाज नहीं तब भी सदन के लिए परेशानी थी, अब तो इस बार ज्यादा परेशानी होगी। सरकार भी माइनॉरिटी में है, सरकार को ये देखना है कि अपने 52 लोगों के कुंबे को समय समय पे उन्हें साधना होगा,
कई इश्यूज है, रिजर्वेशन के इश्यूज है, खासकर सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया बिहार को लेके, वो एक मामला बड़ा सरकार के गले पड़ा है। शेड्यूल 9 में कल क्या कल तक भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध कर रही थी और अब कह रही है सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, गजब की पॉलिटिक्स जाएंगे। जब मतलब भारतीय जनता पार्टी पहले एक पार्टी विद डिफरेंस, पार्टी विद फिलोसॉफी, पार्टी एक सामूहिक नेतृत्व वगैरह सब, ये अब मुझे लगता है 2014 के बाद पार्टी का कैरेक्टर इतना बदल गया है कि अब कुछ कैरेक्टर ही रहा नहीं। ये यदि मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आप पूरे देश में धर्म के नाम पर रिजर्वेशन देने की खिलाफत करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, और आंध्र प्रदेश में आप 4% मुसलमानों को देते हैं। आप यहाँ कब्रिस्तान को जमीन या कब्रिस्तान की दीवारें बनने के लिए पैसा दिया तो आप पूरा भूचाल ले आते हैं, और अब वहाँ पे मस्जिदों का मेंटेनेंस का 10,000 रुपये महीना मिलेगा, मुसलमानों को लिए विशेष कॉरपोरेशन बनेंगे। ऐसे में ये वहाँ पे नीचे मुंडी करके सत्ता में सहभागी है। सत्ता के लिए इंसान कितने नीचे गिर सकता है या पार्टी या कितनी नीचे गिर सकती है, इसका बेहतरीन उदाहरण, कई उदाहरण आपको 2014 से लेकर 24 तक ऐसे माइलस्टोन स्थापित हुए हैं कि सत्ता के लिए आदमी कितना नीचे गिर सकता है। नीचे गिरने का नीचांक जो है वो वर्तमान भाजपा ने शब्द स्थापित किया। ऐसे में आने वाले समय में एक आपने जो अरविंद केजरीवाल का ये मामला बहुत ताजा है, अरविंद केजरीवाल का सही कहा आपने, जो लोअर कोर्ट ने जो विशेष अदालत है सीबीआई की, उन्होंने जो उसमें जमानत दी, उन्होंने कहा कि कब तक आप यदि किसी पे आरोप लगाओगे 1,000 करोड़ का गबन का और 1-1 करोड़ की ट्रेन लेते हुए आओगे, एक साल में 1 करोड़ का मिला, दूसरे साल में दूसरे करोड़ का, तो क्या 1,000 साल जेल में रहेगा क्या? कहीं ना कहीं इसका अंत होना चाहिए। इसलिए न्यायपालिका ने सोच समझ के कहा कि चलो ठीक है, अच्छा ये आदमी बाहर आके अभी चुनाव के समय इनको जमानत दी गई थी, क्या ईडी को क्या मिला कि अरविंद केजरीवाल ने बाहर आके क्या तकलीफ दी, कौन से गवाह इंपैक्ट करने का प्रयास किया, कहां किसको धमकाया, कौन से कागज जलाने का प्रयास किया, कौन से ईडी के इन्वेस्टिगेशन में आड़े आ गए जो उनको लगता है कि ये होगा। लेकिन इनकी नियत ठीक नहीं थी। उन्होंने लोअर कोर्ट में भी कहा कि 48 घंटे के लिए ये बेल दी हुई है, रोक लीजिए, हम हाईकोर्ट जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बेल देंगे, आप जाइए हाईकोर्ट में। अब आम आदमी पार्टी का आरोप है, ये तो सच्चाई जाननी पड़ेगी, उन्होंने कहा कि लोअर कोर्ट का आदेश भी प्राप्त नहीं हुआ था और ये हाईकोर्ट चले गए, हाईकोर्ट ने तुरंत स्टे दे दिया। अब देखिए, हम न्यायपालिका की बहुत इज्जत करते हैं अशोक जी, लेकिन मैं इसको क्या कहूं, दिल्ली का हाईकोर्ट ये कहता है कि नहीं, ईडी जो कहती है कि भाई ट्रेन मिले है और ईडी हवा में बात नहीं करती और इसलिए उनको जेल में रहना होगा जब तक इन्वेस्टिगेशन चलेगा। ईडी का इन्वेस्टिगेशन 10 साल तक चलेगा तो 10 साल तक अरविंद केजरीवाल जेल में रहेंगे, इसके मायने ये है। दूसरी बात आप आइए, उधर कर्नाटक हाईकोर्ट में येदुरप्पा जी के ऊपर पॉक्सो का केस है, बिल्कुल, और उसमें कह उसमें, दिया अरे गरे उसमें नहीं है जमानत देते हुए वो कहते हैं कि भाई वो पूर्व मुख्यमंत्री है, बड़े आदमी है, देश में राजनीतिक हलचल चल रही है, उनको दिल्ली जाना है, वो दिल्ली जाएंगे, राजनीतिक हलचल है देश में, वो एक बड़े नेता है, इसलिए उनको जमानत दी जाती है। अब मैं न्यायपालिका को क्या समझूं, क्या न्यायपालिका भी केस के जगह फेस देखती है? बीजेपी वाले का फेस है तो जय जयकार करो, बेल दो, उसको जस्टिफिकेशन दो, और यदि सामने फेस नॉन बीजेपी वाले आदमी का है तो फिर उसको आप रगड़ो, क्या इसके ये मायने है? मेरा दूसरा सवाल है ईडी को लेके ही, क्योंकि ईडी ही इन्वॉल्व है। अनिल देशमुख को 13 महीने जेल में रखा, महाराष्ट्र के गृह मंत्री को, बहुत बड़ा, ये तो ऐसे राज्य के मुख्यमंत्री है जहां पूरा अधिकार भी नहीं है। महाराष्ट्र एक बहुत बड़ा राज्य है सर, यूपी के बाद दूसरे नंबर का राज्य है लोकसभा सीट देने में, रेवेन्यू देने में महाराष्ट्र इंडिया में सबसे बड़ा राज्य है, अकेला मुंबई इतना रेवेन्यू देता है कि बड़े बड़े राज्यों के रेवेन्यू नहीं होते। उस महाराष्ट्र के गृह मंत्री को आपने 13-14 महीने जेल में रखा, आज वो जमानत पे है, उस केस का आगे क्या हुआ? किसी को कुछ नहीं पता। ईडी उनको जमानत मिलने के बाद ईडी शांत क्यों हो गई? अब आगे पेशी क्यों नहीं हो रही है? वो अनिल देशमुख को 10-15 साल की सजा क्यों नहीं हो रही है यदि वो आरोपी है तो? और यदि आरोपी नहीं तो फिर क्या आपने हाका लगा दिया था?
आपको उद्धव ठाकरे को अरेस्ट करना था, शरद पवार को अरेस्ट करना था, इसलिए आप उनसे कह रहे थे कि आप उनका नाम ले लो एफिडेविट में, और उसका नाम नहीं लिया तो आपने 13 महीने रगड़ दिया उनको। 100 करोड़ का आरोप लगा कि आपने चार्जशीट मात्र 1,80,00,000 की कर दी है। ये ईडी का बैकग्राउंडर है, ये ईडी का इतिहास है। इस ईडी के इतिहास पे नजर डालो तो आपको ऐसे कई लफड़े मिलेंगे कि 2014 के बाद लगातार ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ही ऑपरेट करती है। अभी तक किसी नेता को सजा नहीं दिलवा पाई है। तो ऐसे में हाईकोर्ट ने कैसा मान लिया कि इनके अंदर रहने की जरूरत है? इन्होंने इसके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए तुरंत। और सर्वोच्च न्यायालय जो बार बार कहता है कि किसी की भी जमानत, ये उसका अधिकार है जमानत मिलना, क्योंकि आरोप सिद्ध नहीं हुए, अभी चार्जशीट फाइल नहीं हुई। चार्जशीट फाइल हुई तो उसके ऊपर सप्लीमेंट में सप्लीमेंट चार्जशीट दे रहे हैं आप, वो कब तक आदमी जेल में रहेगा? और बीच में आपने जब उसको जमानत दी थी चुनाव के लिए, तब अब चुनाव के लिए भी जमानत देखिए, एक कोर्ट ने उसको जमानत दे दी चुनाव के लिए, चलो ठीक है भाई चुनाव है आपके, आप लड़िए, लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए। और सोरेन को फिर चुनाव में जमानत नहीं मिलती, वहां लेवल नहीं देखा जाता, वहां लेवल नहीं देखा जाता है, लेवल प्लेइंग फील्ड। तो फिर न्यायपालिका को किस एंगल से देखें हम, क्या समझे न्यायपालिका? यही आदमी का विश्वास डगमगा जाता है। और जिस दिन न्यायपालिका के ऊपर विश्वास डगमगा गया, उस दिन अशोक जी अनार्की मची, इट विल बी फ्री फॉर ऑल, क्योंकि लोगों को नेताओं पे विश्वास नहीं रहा। ये सब दिखते हैं अपने को, ये 240 पे आना बीजेपी का, ये रिजेक्शन है पार्टी का। नौकरशाहों पे किसी का विश्वास नहीं है, क्योंकि नौकरशाही पामेरियन बन के घूमते हैं सरकार के दरबार में, मीडिया तो कब का बिक चुका है। ऐसे में एक न्यायपालिका पे है विश्वास, कभी भी लगता है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड जैसे भी मामले आते हैं तो लगता है कि नहीं है। लेकिन फिर ये क्या हरियाणा के चुनाव तक इसको रखेंगे अंदर? क्योंकि आम आदमी पार्टी हरियाणा में हुंकार तो भरेगी, और यदि उनका कांग्रेस का गठबंधन हो गया तो आप हरियाणा के चुनाव के नतीजे आने तक आपको केजरीवाल अंदर चाहिए। इसके पहले गुजरात चुनाव तक केजरीवाल अंदर चाहिए थे, केजरीवाल जी को बेल गुजरात चुनाव के बाद ही मिली यदि आपको, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी का कोई नेता नहीं था, वहां फेस सिर्फ केजरीवाल थे जो 12% वोट लेके आए थे। और केजरीवाल गुजरात के वोटिंग के पहले आते तो शायद वो सीट निकल जाती हुई जो फंसी हुई थी। तो यदि अपने पॉलिटिकल एजेंडे के लिए यदि आप विपक्षियों को, तो ये तानाशाही है, इस पर बात होनी चाहिए और सर्वोच्च न्यायालय को इसको इंटरवेन करना चाहिए, क्योंकि अंतिम कस्टोडियन वो है इसके, ऐसा मुझे लगता है। फिर आपने एग्जाम की बात की, सही कहा राहुल गांधी ने, ये यूक्रेन का युद्ध तो रोक सकते हैं फोर्स करके, लेकिन पेपर लीक नहीं रोक सकते। रोकेंगे कैसे? सयाब है कोतवाल तो डर काहे का, और जब पेपर लीक होते हैं तो करवाने वाले कौन? तेजस्वी यादव, राहुल गांधी। अरे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को अभी तक तो आप नकारा कह रहे थे, इनकी कोई औकात नहीं है, तो पप्पू है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, नॉन सीरियस, क्या क्या नहीं बोला राहुल गांधी को। इतना कमजोर राहुल गांधी, इतने नकारा राहुल गांधी, ये काम कर जाते हैं आपकी पूरी सिक्योरिटी के बीच में से। फिर वो बड़े आदमी ज्यादा नकारा, फिर इस सरकार से ज्यादा नकारा सरकार की तो कल्पना भी नहीं की सकती, कल्पना भी नहीं कर सकती। अच्छा, पूरे देश का पेपर आउट करा दिया इन्होंने, एक मोडस अप्रेंटिस बना दिया, इन्होंने एक मोडस अप्रेंटिस बना दिया है, पेपर लीक होता है ये मना करते, हाँ ये मना करते कि पेपर लीक हो गए। ये विरोधियों को फिर एग्जाम, वो एग्जाम लेने वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है वो भी गाली देता है सबको, मीडिया को, कि बेजवाबदार लोग हैं, ये जवाब दे ही नहीं है इनकी, कुछ कैसी कैसी बातें करते हैं, और धीरे से दूसरी जगह लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर देते हैं। अरे पेपर लीक ही नहीं हुआ तो लोगों को अरेस्ट क्यों कर रहे हो?
फिर चार दिन बाद आके मंत्री कहते हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हाँ गड़बड़ हुई है थोड़ी सी, हम देख रहे हैं उसको, अब रद्द कर रहे हैं उसको। क्यों रद्द कर रहे हो? दिल्ली पुलिस अपना यूपी पुलिस एग्जाम पूरा टाइम गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती रही कि नहीं नहीं नहीं, और बाद में बोला कैंसर। ये हो क्यों रहा है? इनको आवेदन कौन देता है? एक अब्जो रुपए का रैकेट है सर, और इसमें पॉलिटिशियन के बगैर काम हो नहीं सकता, मैं बता रहा हूं आपको। राजनीतिक संरक्षण 100% है इस, और आप जो पकड़ रहे हो छोटे मोटे पकड़ रहे हो। एनएचआई के गेस्ट हाउस में किस मंत्री के ने रूम बुक करवाया था? ये तो कह रहे थे तेजस्वी ने बुक कराया था। तो कागज लाए, तेजस्वी के यहां से लेटर आया होगा ना, रिक्विजिशन तो आई होगी भाई, चिट्ठी तो आई होगी ना, पब्लिक करे, हवा में तीर क्यों मारे? पब्लिक क्या करना है सर, गिरफ्तार कीजिए, आपके पास प्राइमा फेसी सबूत है, गिरफ्तार कीजिए। सोशल मीडिया ने तो उस रजिस्टर के फोटोग्राफ तक दिए, हमने दिया, ब्रैकेट में मंत्री जी लिखा हुआ है। कौन मंत्री जी? जेल करो उसको, बिल्कुल, या उसके अधिकारी ने किया होगा तो उसको जेल करो, लेकिन हवा में तीर मत मारो। ये तेजस्वी ने किया होगा, अरे किया होगा नहीं, तुम्हारे पास लेटर है, उठाओ लेटर और ठोको उसको। सही बात है। लेकिन अपना ही मंत्री होता क्या करेंगे, लेटर तो ला नहीं पाएंगे। तो ये टोटल अनार्की मची हुई है, फ्री फॉर ऑल है। एक एग्जाम का लफड़ा खत्म नहीं होता, दूसरे एग्जाम का पेपर कैंसिल हो जाता है। बच्चों का मोरल डाउन नहीं होगा तो क्या होगा, मुझे बताइए आप? लोग सुसाइड नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? हम बच्चों के लिए क्या दे रहे हैं भविष्य? राम मंदिर, विश्वनाथ जी का कॉरिडोर, उज्जैन का महाकाल, या बैठ के भीख मांगेंगे बच्चे हमारे? और ये रिकॉर्ड लगातार बढ़ता जा रहा है, आतंकी हमले जम्मू कश्मीर में बढ़ते जा रहे हैं, हाई लेवल मीटिंग ली जा रही है, मणिपुर एक साल से चल रहा है, हाई लेवल मीटिंग बनी जा रही है, एयर कंडीशन चेंबर में 5500 कमांडो के बीच में संगीनों के साए में बोला जाता है कि आप बख्शेंगे नहीं किसी को। अरे भाई तू देश को बख्शो। मैं तो ये पूछ रहा हूँ अशोक जी कि कल तक क्यों बख्श रहे थे? अशोक वानखेड़े ने फोन करके कहा था कि मत बख्शो, आप गृहमंत्री हो तो आतंकवादियों को क्यों बख्श रहे थे कल तक? की नोटबंदी के बाद प्रधानमंत्री ने बोला था कि आतंकी कार्यवाही खत्म हो जाएगी, 370 के बाद बोला था खत्म हो जाएगी, 30A के बाद बोला था खत्म हो जाएगी, जब जम्मू कश्मीर तोड़ा तीन भागों में यूनियन टेरिटरीज बनाएगी तब खत्म हो जाएगी, एलजी गए वहां पे कब खत्म हो जाएगी, डोवाल साहब ने जाके रस्ते में बिरयानी खाई खत्म हो जाएगी। वैसे अशोक जी गली गली घूमी है मैंने और सब मिल जाता है वहां पर, बिरयानी ऐसे कहीं नहीं मिलती, वो बिरयानी किसी के घर से बन के आई थी, कम से कम दुकान पर तो नहीं मिलती, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। मैं भी गया था, मैं भी श्रीनगर गया था, उसके बाद ही मैंने बोला जब बिरयानी रास्ते पे खाई जा रही है तो चलो बहुत ही तो बहुत, लेकिन मैंने जब गया तो मैं श्रीनगर में गया तो मैंने संगीन के साए में श्रीनगर को पाया। मैं तो खैर 7 साल से लगातार जा ही रहा हूँ। हाँ। जो अब आज जिस तरह के वीडियोस आए हैं, जिस तरह के फोटोग्राफ आए हैं, ऐसा लगता है कि सब कितना सुंदर है। मैं जितने लोग देख रहे हैं उनसे कहता हूँ कि कुछ नहीं करें, परसों नरसों उठें और चले जाएं, इस समय टूरिस्ट काफी हैं, और टूरिस्ट एरिया के बाहर थोड़ा सा घूमाएं, डल के पास घूमेंगे तो कुछ नहीं दिखाई देगा, और सुंदर जगहों के पास घूमेंगे कुछ नहीं दिखाई देगा, थोड़ा सा अंदर चले जाएं, डाउनटाउन में चले जाएं, उधर बारामूला चले जाएं, उधर साउथ में चले जाएं, बड़गाम से थोड़ा आगे चले जाएं, तो समझ में आएगा कि कश्मीर की क्या हालत है। लेकिन थोड़ा लाइटर नोट पे भी आइए, आज आप बहुत गुस्से में लग रहे हैं, मतलब मुझे सच में अच्छा, मुझे 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 अच्छा नहीं लगा। मुझे क्या है, बच्चों की भविष्य के ना
मैं बच्चों के वीडियो देखता हूँ, रात को नींद नहीं आती। अशोक जी, आप लोग तो शुरुआती पत्रकार रहे हैं, मैं अपनी कहानी आज पहली बार शायद ऐसे पब्लिकली शेयर कर रहा हूँ। मैंने एमए किया था और एमए के तुरंत बाद मैंने नेट का एग्जाम दिया। उस समय 400-400 रुपए फीस हुआ करती थी। मैं घर से अलग हो चुका था, कई सारी प्रॉब्लम थी, अपने पैसे से पलता था, तो मैंने एक ट्यूशन लिया 400 रुपए फीस भरने के लिए, किसी से उधार लिया, और उसके बाद एक ट्यूशन लिया जिसमें महीने भर बाद मुझे 400 रुपए मिलने थे। पूरे महीने वो ट्यूशन मैंने पढ़ाया और वो 400 रुपए चुकाए, तो वो फॉर्म भरा, निकल गया नेट, लेक्चररशिप नहीं हो पाई, वो अलग बात है। उसके बाद एसएससी का फॉर्म भरा, दिल्ली आया, ग्वालियर से एग्जाम दिया, एग्जाम देके गया, घर पे पहुंचा लेटर कि तुम पास हो गए हो, नहीं वो रिजल्ट निकलता था, एम्प्लॉयमेंट न्यूज में रिजल्ट निकलता था, वो रिजल्ट निकल गया, पास हो गया, फिर इंटरव्यू के लिए लेटर आया। तो इंटरव्यू देने क्या, उसका घर पे बैठे बैठे, आज मुझे तब याद आया जब मोदी जी सबको अपॉइंटमेंट लेटर फ्रेम कराया हुआ दे रहे थे, हमारे पास तो फ्रेम नहीं आया था, सरकारी लिफाफे में आया था। वो लेटर लिया अपॉइंटमेंट का, गुजरात गया, नडियाद में ज्वाइनिंग थी वहां ज्वाइन किया, और उसके बाद 22 साल नौकरी की, किसी को ना एक रुपए दिया, ना कोई सिफारिश हुई, ना कोई परीक्षा कैंसिल हुई, ना कोई तमाशा हुआ। तो एक बालक जब नेट की तैयारी करता है, नीट की तैयारी करता है, बालक बालिका दोनों जब तैयारी करते हैं, तो पूरा परिवार कितना डिस्टर्ब रहता है, दिल्ली में, इलाहाबाद में, जहां चले जाइए आप, मतलब एक बच्चे को बाहर रख के पढ़ाना एक आम माँ बाप के लिए कोई आसान काम नहीं रहा, और वो सपना टूटा है। इसीलिए मैंने कहा कि तेजस्वी ने तोड़ा है उसको गिरफ्तार कीजिए, राहुल ने तोड़ा है उसको गिरफ्तार कीजिए, हमको इससे मतलब नहीं है किसने तोड़ा है, हमें तो ये जानना है कि वो सपना तोड़ा किसने और लगातार क्यों हो रहा है ये, कोई फुल प्रूफ। और इसको इतना लाइटली लिया जाता है कि वो हम पे कैंसिल कर देते एग्जाम, अच्छा अभी अगली बार करते हैं। अरे आप क्या समझते हो, वो बच्चा इतना बढ़िया पेपर सॉल्व करके आता है, दूसरी बार हो सकता है ना करें। एक आदमी का टेम्पो होता है पढ़ाई का भाई, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, बिल्कुल होता है, फ्रस्ट्रेशन होते हैं, माँ बाप को कितना घर काट काट के, अपना जेब काट काट के बच्चों को ट्यूशन देने, मोदी जी का चुनाव कैंसिल कर दीजिए कि वहाँ आरोप लग रहा है, और बनारस में फिर से चुनाव करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। हाँ, चुनाव के मतलब मायने क्या होते हैं। तो थोड़ा लाइटर नोट पे मैं इसलिए आपको ले आ रहा था क्योंकि अंदरूनी राजनीति कुछ कुछ समझ में ऐसा आ रहा है, जिस तरह से ये 11 जुलाई को ही मकान खाली कर देने की बात आई 2019 में तो नहीं सुनाई गई थी, गुलाम नबी आजाद के लिए भी नहीं सुनाई दी थी, संबित पात्रा के लिए भी कभी सुनाई नहीं दी थी, सुनाई देती थी ये राहुल गांधी के लिए, प्रियंका गांधी के लिए, इस तरह के लोगों के लिए। और मकान खाली करना, बंगले में जाना, ना इन लोगों के लिए कोई बड़ी समस्या है, ना कोई दिक्कत है, सबके पास सुंदर घर है, सब कुछ है। लेकिन जिस तरह से वो खबर प्लान कराई गई और पूरे दिन चलाई गई कि 11 जुलाई को स्मृति ईरानी को मकान खाली करना पड़ेगा, वो आपको किरकिरी की तरह थोड़ा नहीं लगा? आप भी इतने लंबे समय से बंगले देख रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल, और मुझे मालूम था कि एक दिन इस महिला के साथ ये होना जरूरी भी था, क्योंकि जो अपने आप को लार्जर देन लाइफ समझने लगते हैं, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है देश के, उनको अधिकार है वो लार्जर देन लाइफ बनाए अपने आप, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री होता है, लेकिन उनके कैबिनेट का हर मंत्री यदि अपने आप को मोदी समझ के लोगों के साथ व्यवहार करने लगे, मोदी जी में भी जितनी अकड़ नहीं थी उतनी मैडम में अकड़ थी, और इससे भाजपा में बहुत लोग आहत थे। बाहर वाले कम होंगे, अंदर वाले ज्यादा होंगे, अंदर वाले ज्यादा थे, लेकिन करे क्या, ब्यूरोक्रेट तो नाराज मैडम के बदतमीजी से, सब लोग नाराज और सबको डर कि मैडम नाराज हो गई तो, और सीधा प्रधानमंत्री जी को कह दिया तो, कि प्रधानमंत्री जी के गुड बुक्स में थे ये लोग, हारे हुए को भी प्रधानमंत्री ने, गुजरात में कई तादाद में लोग थे, बड़े नेता थे, उनको छोड़ के राज्यसभा लाए गए, उसके बाद चुनाव लड़वाया गया, हारने के बाद भी मंत्री बनाया गया। मराठी में एक कहावत है अशोक जी, गरज सरो वैद्य मरो, मतलब आपकी जरूरत खत्म हो गई, आपका पेशेंट ठीक हो गया, फिर वैद्य जी मर भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा पेशेंट जीना चाहिए। तो आपका पर्पज एक बार राहुल को वहां से हटवाना था, राहुल को हरवाना था, आपने कई लोगों से बदतमीजी करवानी थी, आपने करवा दी, अब आप माइनॉरिटी में हैं, 240 पे आप इतनी बदतमीजी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो फिर इनका यूज खत्म हो गया, अब घर भेज
बंगले में रहेंगे तो दिल्ली में रहेंगे, बने रहेंगे, बंगला बंगला हटा दो तो बॉम्बे चले जाएंगे। फिर एकता की सीरियल में कहीं सास भी कभी बहू नहीं थी तो अब सास का रोल करेंगे, क्योंकि हर बहू बाद में सास बनती ही है। मैं हमेशा कहता हूं ओहदा रहता है, लेकिन कोई भी जगह आपका स्टेटस ये सब टेम्पररी है। सब अंतिम सत्य ये है कि आपका अपना नेचर, आप कितने समझ के चलते हैं। संत तुकाराम ने कह दिया है, महापुरे झाड़े झाती तेते वल्लाड़े रात। जब बहुत बाढ़ आती है तो घास जो रहता है छोटा वो नम्रता से झुक जाता है, पानी चला जाता है। जो पेड़ तन के खड़ा हो जाता है वो बह जाता है। तो ये तन के खड़े हुए पेड़ थे, तो इस आंधी में बह जाना था तो बह गए। और इसीलिए मैंने मैंने हमेशा मोदी जी का एक नेचर है, वो उनका कोई सगा नहीं, एक बात तो तय है, वो बैगेज रखते नहीं। थोड़ा भारी हो गया छोड़ दो, काम का है साथ में रख लो। आप वहां देखिए गुजरात में राजनीति, आप तो गुजरात में काम कर चुके हैं, आप तो गुजरात के राजनीति को जानते हैं अच्छी तरह से। वहां कई लोग ऐसे जो मोदी जी के एक जमाने में बहुत नजदीकी हुआ करते थे, गृह मंत्री हुआ करते थे अशोक जी, गोवर्धन झड़पिया। ऐसा लगता था कि वो हम लोग हमारे ऑफिस में मजाक में उनको गुजरात झड़पिया लोग कहते थे, कि गुजरात जो है उन्हीं की झड़प से चलता है, जो वो चाहे करा दे। आज गूगल करेंगे तो उनका नाम मिलेगा, तो सब पुरानी खबरें मिलेंगी, कोई नई खबर नहीं मिलने वाली है। तो ऐसे झड़पिया कई है, ऐसे कई लोगों को झड़पिया बना दिया गया, तो ये स्मृति झड़पिया होगी अभी, मतलब झड़पिया होगी मतलब उसी का ट्रीटमेंट जैसा झड़पिया के साथ ट्रीटमेंट हुआ वैसा स्मृति जी के साथ हुआ। और ये बाकी नेताओं के लिए सीख है, स्मृति जी का उदाहरण बहुत ताजा ताजा है। दिल्ली ने झेला है, कई पत्रकारों ने झेला, जो गोदी मीडिया के पत्रकार थे, जो नॉन गोदी मीडिया के पत्रकार थे, एक भी पत्रकार ऐसा नहीं मिला मुझे जो कहे कि अरे स्मृति जी हार गई। सब कहे भाई साहब हारना ही था। अशोक जी सुधीर तो खुश होगा ही बेचारे की लाइव शो में ऐसी बेइज्जती की थी, कोई मतलब नहीं। बताओ क्या मतलब, क्या मतलब सुधीर ने ऐसा, अपार्ट फ्रॉम सुधीर का कुछ नहीं बैकग्राउंड सब भूल जाए, एक सवाल सुधीर ने क्या गलत पूछा था? सवाल यही पूछा था कि महंगाई तो है, आप टमाटर खरीदने जाती है तो उसने उसको गुस्सा आ गया। आप निजी हो गए हो, व्यक्तिगत बोल रहे हो, इसमें क्या निजी है? क्या निजी है? एक मंत्री टमाटर नहीं खरीदते भैया, आप सुधीर जी को पता होना चाहिए था, वो सेलिब्रिटी एक्ट्रेस थी, तब भी टमाटर नहीं खरीदे होंगे। जब मैकडोनल्ड में काम करती थी तब भी टमाटर नहीं खरीदे होंगे, तब टमाटर आउट ऑफ रीच थे। जब टमाटर खाने लायक हो गए तो टमाटर बेचने वाला आउट ऑफ रीच हो गया। तो ये फर्क तो सुधीर जी को नहीं पता था, तो सुधीर ने उस दिन उसका तैयार भी आंसर निकाल लिया। और फिर भी सुधीर ने एक शराफत दिखाई, वो तो डर के मारे होगा कि भाई अपन गोदी मीडिया के बड़े सिपा सलार है तो हम एकदम बदतमीजी नहीं कर सकते, नहीं तो फिर उसने जेल निकाला तो इनका निकालने के लिए बहुत कुछ था, बहुत कुछ था, और इतना निकल जाता कि फिर शायद मूर्ति जी वहां बैठती भी नहीं। भाई इनके तो पॉलिटिकल कैरियर की फोटोग्राफ जो आने शुरू हुए थे उसका सबसे इंपॉर्टेंट फोटोग्राफ भी आया था। पॉलिटिकल कैरियर छोड़ दीजिए, यदि निजी जिंदगी में झांकना शुरू कर दे, अभी सर पॉलिटिकल की बात कर लेते हैं कि आपके मुंबई में मोदी जी के खिलाफ धरने पे बैठी हुई थी ये। अरे गुजरात में धरने पे बैठी थी भैया, गोपीनाथ मुंडे जी ने मुझे सुनाया हुआ किस्सा है, साहब ने गोपीनाथ मुंडे को कहा कि कौन है भाई एक्ट्रेस, ये क्यों धरने पे बैठी है यहाँ की गुजरात में, कोई एनजीओ धरना चला रहा है? मुंडे जी जानते थे अच्छी तरह से, बकल मुंडे जी बाप आज है नहीं हयात, नहीं तो वो शेर आदमी था, वो बोलता। मुंडे जी ने बाकायदा फोन करके डांटा और कहा कि जाके मिल के आओ आप साहब से, माफी मांगिए,
फिर जाके मिलके माफी मांग के, तो तब पहली मुलाकात की थी। तो हजारों ऐसी बातें होती है जो जनरली पब्लिक डोमेन में हम और आप जब लोगों के बीच में घूमते हैं तो कई चीजें मिलती है, नेता बोलते हैं, लेकिन पब्लिक डोमेन में हम किसी, क्योंकि किसी के भी ऊपर उछालना मैं मानता नहीं, और मैं हमेशा मानता हूँ कि निजी जिंदगी निजी होती है, पब्लिक जिंदगी पब्लिक होती है। निजी जिंदगी में आप क्या करते हो इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। आपकी इवन आपकी पॉलिटिकल लाइफ में भी आपका जो अरोगेंस है वो आपको खा गया, इसलिए आपको कोई साथ देने को तैयार नहीं। आज आपको सब नेता भी यही कह रहे हैं, मुझे कोई बीजेपी के सारे नेता वही कह रहे थे, अरे बाप रे अच्छा हो गया, बहुत बोला एक आध बार, मतलब अमित शाह जी से कोई काम करवाना ठीक था, मैडम के पास तो बहुत ही। तो कुल मिलाकर बात यही होनी है कि जो दिखाई दिया कोई स्वर्ग नर्क नहीं है, जो आप करते हो यही भरना पड़ता है। आजकल भगवान के पास इतना टाइम नहीं, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई, किसी का हिसाब रखेगा हो? वो तो नीचे सारे एंट्री स्क्वायर कट गए, आपस में निपटा के ऊपर आ जाता मेरे पास, सबको स्वर्ग में जगह है। नए अपार्टमेंट्स बन गए। अच्छा 27 तारीख से लोकसभा शुरू होनी है, अभी तक लीडर ऑफ अपोजिशन ये लोग भी नहीं तय कर पाए। हाँ लीडर ऑफ अपोजिशन का तो वो हमेशा अलंगा तो लगाएंगे, क्योंकि मोदी जी ने 10 साल तक तो लीडर ऑफ अपोजिशन दिया नहीं किसी, इतना बड़ा दिल तो है नहीं। मैंने हमेशा कहा कि सीना 56 इंच का होने से नहीं चलता, उसे दिल भी होना चाहिए। तो अब आप इस बार तो देना पड़ेगा मजबूरी, कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। ये लोग चुन तो लें, ये लोगों ने चुना भी अभी नहीं है कि कौन होगा लीडर ऑफ अपोजिशन। जनरली मुझे लगता बाय एंड लार्ज वो चुना हुआ ही माना जाएगा वो, बाकी लोग क्योंकि 100 बाकी भाई 37-35 वाले है और सबका इक्वेशन ठीक है, कोई चलो आप बन जाओ उसमें कोई। यदि राहुल गांधी भी नहीं बनना चाहे तो बात अलग है कि राहुल गांधी भी किसको प्रपोज करें, किसी के हाथ में दे दे वो एक काम करें। फ्लोर मैनेजमेंट आज बीजेपी के पास कौन करेगा ये भी देखने वाला होगा। अभी तो लगता है कि राजनाथ सिंह के गले पड़ रहा है मामला, लेकिन राजनाथ कितना कर पाएंगे ये भी है। स्पीकर डिप्टी स्पीकर कौन होंगे, फिर सरकार चलेगी, अब फंड अलर्ट होगा, बजट बनेगा, बजट में किस मिनिस्ट्री को कितना फंड, ये सारी चीजें हैं। इन तीन राज्यों को जो चुनाव है उन तीन राज्यों का अलग प्रेशर है, हरियाणा का अलग प्रेशर है, हरियाणा में किसी हालत में इनको वापस आना है, केजरीवाल को जेल में रहना है जब तक हरियाणा की चुनाव नहीं होता, क्योंकि उनको ये लगता है कि केजरीवाल जेल में रहने से सिंपैथी नहीं मिलती। दिल्ली की सातों सीटें हमारे पास आ गई, इसके मायने ये है कि केजरीवाल जेल में रहो तो ठीक है, तो शायद उसी फार्मूले में हरियाणा भी निकल जाए ये सोच रहे हैं। लेकिन हरियाणा में कांग्रेस को सोचना होगा कि क्या वो अभी भी झगड़े में पड़े रहे हुए वही टूटा हुआ हरियाणा कांग्रेस लेके जाएगी या कोई यूनिफाइड कांग्रेस लेके जाएगी। यहाँ कोई ना कोई एक तीसरा, यदि हुड्डा के लिए लोग तैयार नहीं है और बाकी कोई नहीं तो कोई तीसरा नाम आना चाहिए सामने, सुरजेवाले को छोड़कर। ये तो हो सकता है कि सुरजेवाले कोई प्रोजेक्ट करे, वो कांग्रेस में कुछ भी हो सकता है, वो कांग्रेस को देखना है। क्योंकि हरियाणा महाराष्ट्र में तो मामला बहुत सारा कांग्रेस के हाथ में नहीं है, जो भी है शरद पवार जी के हाथ में, और वो अपना स्टो वो सब उद्धव ठाकरे अजीत पवार वो ने बोल भी दिया उस दिन अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पृथ्वीराज चौहान ने, या कोई बड़ा भाई छोटे भाई वाला खेल ही नहीं, कि मैं बड़ा भाई तू छोटा भाई कोई नहीं, सब हम साथ में बैठ रहे हैं और जहां जहां से उम्मीदवार जीत रहे हैं वो जीता हुआ उम्मीदवार को हम देखेंगे। सांगली वाला एक्सपेरिमेंट से अवॉइड करना चाहिए शिवसेना, सांगली के लिए जो लोकल राजनीति, मतलब जयंत पाटिल ने हवा दी संजय राउत को और संजय राउत ने सांगली के लिए अंगद का पैर बन के क्या हुआ, वो नींबू गिर गए सांगली की सीट, मतलब एक इसके जगह वो दूसरी सीट लेते तो वहां से आ जाती एक सीट और आ जाती। तो ये छोटी छोटी ईगो साइड को रखनी, तो ज्यादा सीट लड़ने से अच्छा है ज्यादा सीट जीतिए, जीतिए सवाल ये। और ये उद्धव ठाकरे को समझना चाहिए, इतनी ज्यादा सीटें आप लड़े लेकिन आप सिर्फ 9 जीत पाए, शरद पवार ने 10 ही 8 निकाल के लाए। तो वो एक मैच्योरिटी होनी चाहिए।
तो मुझे लगता है अशोक जी कि लोकसभा शुरू होने से लेके हरियाणा चुनाव आने तक आने वाले खबरों में, आपने एक बार कहा था, मजाक में कहा था कि अगर मोदी जी फिर से सत्ता में आते हैं तो खबरों की कोई कमी नहीं होगी, खबरें लगातार आती रहेंगी, खबरें लगातार आती रहेंगी। तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारे उसमें होता क्या अशोक जी, खबरें जो हम कहते हैं खबरें गिर रही है, रोज गिरती है खबरें, बरसात होती है खबरों की, लेकिन नीचे लेने वाला कोई नहीं, जिनको खबरें दिखाने हैं वो दिखाते नहीं है। तो ये हम जैसे लोगों पे लोड पड़ता है खबरों का, इसलिए खबरों का तो अकल होगा। आज दिल्ली में खबरों के साथ साथ बारिश भी हुई है, सच्ची वाली बारिश भी हुई है, और हम उस बारिश को होनी चाहिए सर। एक दिन में 24 लोग मरना, ये दिल्ली के लिए बहुत बड़ा आंकड़ा था, भयानक है। और ये भी लगता है सर कि पिछले इतने सालों से मैं देख रहा हूं गर्मी, ठीक है इस साल थोड़ी ज्यादा पड़ी, लेकिन हमेशा पड़ती है, और आम लोगों के लिए किसी इंतजाम में किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं। बातें हैं, हर साल जल संकट होता है, कोई मटका फोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन रेगुलर नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कि टेलीविजन वालों ने बिना टीम भेजे पिछले साल का फुटेज भी चलाया तो सेम दिखेगा, सेम आएगा, बिल्कुल सेम आएगा। मुंबई में भी, दिल्ली में भी, इलेक्ट्रिसिटी में भाई गर्मी में इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ती है, इसके लिए कोई 75 साल से हम सुन रहे हैं, बिल्कुल 75 साल से सुन रहे हैं, 2025 में भी यही होगा, बढ़ती गर्मी के कारण पावर की कंजम्पशन बढ़ गई, शॉर्टेज पड़ा, अरे इसका जुगाड़ क्यों नहीं करते पहले से, नहीं करेंगे, मुंबई में रास्ते पानी मुंबई में घुसेगा कोई जुगाड़ नहीं, 10 साल पहले भी घुसा था, अभी मैं मुंबई में सर एक किस्सा सुनाता हूँ, खबर है वो, मुंबई में महाराष्ट्र के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट के नाम पे 3,000 करोड़ केंद्र ने 2 साल पहले भेजे, फिर 3,300 करोड़ भेजा, 6,000 करोड़ हो गए, 6,300 करोड़ हो गए सर, 6,000 करोड़ पड़े हुए हैं, काम नहीं हो रहा, काम क्यों नहीं हो रहा है, तो उसमें से मेजर अमाउंट है मोर देन 3,000 करोड़ वो जाएगा अंडरग्राउंड केबलिंग के लिए, क्योंकि कोकण वो जो रीजन है, सी कोस्ट जितना भी है महाराष्ट्र का, वहां जब भी कोई साइक्लोन हिट करता है या कोई तूफान आता है तो सबसे पहले पावर का प्रॉब्लम हो जाता है, पावर मुझे पोल गिर जाते हैं, और फिर जो सहायता का जो अभियान चलता है उसमें बड़ा रोड़ा आता है, पेट्रोल नहीं मिलता, एटीएम नहीं चल रहे क्योंकि लाइट नहीं, हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर नहीं चल रहे, लाइट नहीं, इसलिए वहां अंडरग्राउंड केबलिंग करना है, चाहे भूचाल आ जाए चाहे बाढ़ आ जाए पावर नहीं जाएगा, वो नहीं हो रहा है, इसका कारण आपको बताऊंगा तो आपको आश्चर्य लगेगा, ये काम होते हैं 500-500 करोड़ के, 600-600 करोड़ के, इसमें कमीशन के नाम पे 2-3% जाता है, 3% मतलब मंत्री से लेके नीचे बिल बिल तक पूरा निपटता है 3%, 5% जो टेंडर लेता है वो कमाता है, और बाकी उसको लगता तो काम करना ही पड़ता है। अभी महाराष्ट्र में ऑटो रिक्शा सरकार है, 3 पहिए है, एक अजीत पवार का पहिया है, एक एकनाथ शिंदे का है, एक देवेंद्र फडणवीस का है, और ऑटो चलाने वाला दिल्ली का है, तीनों चारों लोग चारों जगह से 3-3% मांगा गया, तो 3 पहिए के 9%, ऑटो वाला जो बैठा है उसने कोई मालवी करके एक आदमी बिठा के रखा है, कोई उसको पोस्ट नहीं कुछ नहीं, वो बैठा रहता है एक अधिकारी के टेबल, वहां टेबल लगा के, वो भी 3% मांगता है दिल्ली के अकाउंट में, 12% हो गए, वो बोले इनको 12% देने के बाद नीचे बिल विल सब क्लियर करने में और नीचे तक जो जाता है प्यून तक उसमें तो 3% वो लगते हैं, तो हो गए 15%। अब वो टेंडर डालने वाली कंपनी कहती है कि यदि मैं 3% पर मैं काम करूं तो इनको 15% दूं, इसका मतलब मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, वो 15% लेंगे तो कम से कम 15% तो मैं भी लूंगा, तो हो गया 30%, 70% में वो काम ही नहीं हो सकता। जब उन्होंने मंत्री जी से ये बात कही कि साहब ये नहीं हो सकता, तो मंत्री जी ने उसमें क्या है, बोले केबल के रेट बढ़ा दो, थोड़ा इसको बड़ा करो, तो उसने कहा कि सर मुझे जेल नहीं जाना है, बोले तुमको जेल कौन डालेगा, बोले मैं सेम केबल आपके दूसरे प्रोजेक्ट में लगा रहा हूं, मैं 3 जगह काम कर रहा हूं आपका, वो 20 रुपए मीटर की केबल मैं 3 जगह लगा रहा हूं, और इस प्रोजेक्ट में मैं केबल 120 कैसे बता सकता हूं उसको, किसी ने आरटीआर लगा दी तो मैं मर जाऊंगा साहब, इस चक्कर में टेंडर भी नहीं हो रहे और काम भी नहीं हो गया, फिर बरसात आ गई,
ये हाल आपको हर डिपार्टमेंट में मिलेगा। 15% के नीचे कोई पाई नहीं, क्योंकि वो 15% ये चार लोगों का फिक्स है, चार पांच लोगों का टेबल लगा के बैठे साहब। कोई बालविया है बोले, मैंने अरे बाप रे बाप। और किसी भी कारपोरेशन का कई मतलब अमरावती कारपोरेशन में यदि टेंडर गया किसी को तो उसको मैसेज जाता है कि आप दिल्ली या मुंबई आके मिलो, जरा मालवीय जी से मिल ले। वो बोलता मैंने सबका तो सेटल कर दिया, बोले नहीं मालवीय जी का। ये कौन है? ये ऑटो रिक्शा वाला है, चला था ये बोले परसों दिल्ली से। कल मुंबई में मैं आई वॉज शॉक्ड। पूरा कोई टेंडरिंग का काम नहीं हो रहा है, कई टेंडर नहीं निकल। तो अशोक जी हमारे एक टीचर थे, इसी पर बात खत्म करूंगा, वो सवाल पूछते थे और खुद ही जवाब देते थे कि बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा कौन सी फसल लहलहाती है। तो जब लोग चार पांच फसलों का नाम बताते थे तो कहते बेवकूफों करप्शन की फसल जो है वो बारिश में सबसे अच्छी लहलहाती है। तो वो लहलहा रही है, और जब तक आप लोग जो सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, इस देश की जनता है, इस विश्व वृक्ष को काटेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, जाति धर्म और दूसरी चीजें देखकर वोट देते रहेंगे, तब तक ऐसे ही टेंडर टेंडर खेल खेलता चलता रहेगा। ताजमहल का टेंडर एक बड़ा शानदार नाटक है, थिएटर का कभी मिले तो देखिएगा, फिर समझ में आएगा आपको कि टेंडर कैसे आते हैं जाते हैं और लोग कैसे रईस होते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।